तो क्या हाल चाल है भाई लोगों के। सो बेसिकली BGMI एंड PUBG 3.3.0 में ये जो अपडेट आने वाला है, पूरे यहाँ पे आपको लीक्स देखने को मिलेंगे। फुल गेम प्ले, आपको क्या इंपॉर्टेंट रहेगा क्या नहीं रहेगा, कैसे क्या देखना है क्या करना है, सब आपको इस पे वीडियो में पता चलने वाला है। चलो फर्स्ट लुक देखते हैं। यहाँ पे स्पॉन आइलैंड का काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, स्पॉन आइलैंड ऐसा ही होगा, एकदम ऐसा ही होने वाला है बराबर। ठीक है, सो बाकी लोग भाई, जो लोग भी नए सब्सक्राइबर्स है यार, उनको मैं कहना चाहता हूँ यार, रेगुलर रहा करो। ठीक है, नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाकी अदर अपोनेंट से तुम लोग को ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अभी तक ये वीडियो कहीं भी नहीं आई है मेरे चैनल के अलावा। ठीक है, सो BGMI के लीक सबसे पहले मैं तुमको देता रहूँगा, तो मेक श्योर यार, अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो और लाइक ज़रूर करो। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा स्पॉन आइलैंड। अब हम देखते हैं थोड़ा सा अपना जो आगे का गेम प्ले रहता है, कहाँ पे लैंड करना है, कैसे करना है। ये रहा अपना फर्स्ट एनिमेशन, अच्छा लग रहा है। ठीक है, लास्ट वाले आई थिंक मोड से तो बेटर है, स्पेसशिप वो सब एंड ऑल थी, अच्छा था। बट क्या था ना, जो लैंड करते थे वो एरिया बहुत छोटा था। बट इस बार जो तुम देख रहे हो यहाँ पे मैप के अंदर, दो जगह हैं, एक नोवो में है और एक रोइंस में है। रोइंस में आपका वाटर सिटी में। सो ये जो स्पेशल जगह होने वाली है, इवेंट होने वाला है वहाँ पे। ठीक है, तो इवेंट कैसा होगा वो देखो। काफ़ी ज़्यादा बड़ी लोकेशन है, अंडर द वाटर ये मोड होने वाला है। बेसिकली इसका नाम होगा एटलांटिस द लॉस्ट सिटी। सो बेसिकली हमें पानी के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब यूनिक है इस बार का, न्यू है। हमेशा हम फास्ट लैंड करते थे हवा में, अब हमको हवा से उतर के फास्ट नीचे जाके डाइव करके फिर नीचे जाके उतरना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे स्टार्टिंग में जब मैं उतरा यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम हुआ कि बहुत ज़्यादा ही स्लो था। जब मैं अंदर जाने की कोशिश किया, डाइव करने की कोशिश किया, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लगा नीचे जाने में। बट कुछ ही देर में मतलब जाते जाते ऑटोमेटिक एक बूस्ट मिलता है, अभी तुम लोग को दिखेगा हल्का सा बूस्ट बीच में। ये देखो, एक बूस्ट मिलता है जो कि स्विंग करते हुए फिश की तरह नीचे जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं जाके नीचे क्या होता है। सबसे पहले तो हम काफ़ी देर तक तो जूझते रहे नीचे जाने के लिए। आई थिंक सेकेंड टाइम ज़रूर मैं ट्राई करूँगा कि कैसे फास्ट और जा सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे ये ग्रीन कलर का, सी ग्रीन कलर का यहाँ पे क्रिस्टल है। पता नहीं क्या करता है ये, ऐसा कुछ खास करता नहीं है, मैंने देखा है कुछ भी आर पार चला जाता है। अभी ये बीटा टेस्टिंग में है, क्या पता कुछ चीज़ें एड ऑन हो जाएँ। ठीक है, सो यहाँ पे एक ऑक्टोपस भी आता है, उसकी भी रियलिटी आपको बाद में मालूम चलेगी। सो बेसिकली अभी हम आगे जाएंगे, देखेंगे क्या क्या इसमें यूनिक फीचर्स हैं। आपको पहली चीज़ तो ये देखनी चाहिए, ये जो ग्रीन कलर के आप देख रहे हो बॉल्स टाइप के, सो इसको हम थ्रो करेंगे तो देखना क्या बन जाएगा। सो हाँ भाई, ये एक व्हीकल होने वाली है। ठीक है, समुद्र के अंदर जैसे कि आप कारपेट लेके घूमते थे, वैसे ही ये व्हीकल होने वाली है। ठीक है, एग्जिट करने पे डैमेज पड़ रहा है, पैराशूट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपको मैं दिखाऊंगा अभी। तो गेट इन गेट आउट करते वक्त ध्यान रखें कि ज़्यादा ऊपर से जंप ना करें। ठीक है, तो ये आप ब्रिंग कर सकते हो, अपने बैग में भी रख सकते हो इस चीज़ को। यहाँ पे लूट काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, बट यहाँ पे बंदे कंपैरिजनली बहुत ज़्यादा उतरने वाले हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे लूट थोड़ी कम है देखने को मिल रही है। तो ये देख लो, अगर आपने यहाँ से ऊपर से हाइट से जंप किया तो आपका गेम ओवर हो जाएगा, अगर आपके टीममेट्स नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ फिर से लैंडिंग की एंड मैंने ट्राई किया फास्ट जाने के लिए। ठीक है, तो फास्ट काफ़ी पहले से बेटर वे में गए थे। ठीक है, सेंटर में उतरना था और सेंटर से आप जब नीचे जाओगे तो काफ़ी फास्ट लैंडिंग होती है। ठीक है, सो बेसिकली अभी हम जाएंगे, कुछ स्पेशल चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। काफ़ी ज़्यादा क्रेट्स भी हैं यहाँ पे, क्रेट्स मैंने चेक की थी, लूट यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, क्रेट्स में काफ़ी लूट मिल जाती है फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, चलते हैं ऊपर। ये स्टार्टिंग एरिया है जहाँ पे एकदम नीचे से शुरू होता है टेम्पल। ठीक है, जो लॉस्ट सिटी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे से कैसा दिखता है। यहाँ पे एक ये दरवाज़ा टाइप का है, मिरर है, क्या ही एग्जिट का ऑप्शन था या क्या था पता नहीं, उसको हम बाद में चेक करेंगे। बट कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था फिलहाल बीटा वर्जन में, तो उसको हम लिवेट करेंगे। ये फ्रंट डोर है, अभी हम वहाँ पहुँच गए जहाँ पे हम ऊपर से लैंड किए थे, देख रहे हो ग्रीन क्रिस्टल। ठीक है, सो ये ऐसा कुछ देखने में लगता है। फिलहाल हम चलते हैं सेंटर में, यहाँ पे एक त्रिशूल लगा हुआ है, अम्बेमा शक्ति द त्रिशूल निकालने की। ये त्रिशूल मैंने निकाला, ये क्या करता है ये भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। लेट्स डू दिस। लूट काफ़ी अच्छी नहीं थी फिलहाल, बेसिक लूट मिली है यहाँ पे, पेटियाँ पड़ी थी उसमें ज़्यादा अच्छी लूट थी। बट हम अभी लूट के ऊपर कम बात करेंगे, पहले हम इसकी पावर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो टोनाडो का ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पे लेफ्ट साइड में। यहाँ से
पहले हम टोनाडो एक बनाएंगे, क्या करता है इससे देखते हैं। यहाँ पे एनिमेशंस देखो, हो सकता है थोड़ा बीटा वर्जन की वजह से अलग हो, बट फिलहाल तुमको देखने को फर्स्ट लुक तो मिल ही जाएगा। ठीक है, चलो एनिमेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 7 सेकंड 8 सेकंड कुछ सेकंड का टाइम लेता है। ठीक है, ये जैसे ही फुल हो जाएगा यहाँ पे एक एनिमेशन होगा वाटर वाला ये। फिर वहाँ पे देखो सामने, यहाँ पे वोर्टेक्स एक जनरेट हो गया है। यहाँ पे जो वोर्टेक्स है इसके अंदर हम जा सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, इंटर का ऑप्शन आता है यहाँ पे। इंटर करने के बाद इस टोनेडो के साथ हम कहीं भी जा सकते हैं बेसिकली, आगे पीछे। और मुझे लग रहा है एनिमीज आएंगे तो एनिमीज शायद इसकी वजह से उड़ जाएं या क्या होता है ये। तुम लोग को अभी मिट्टी के कलर का दिख रहा होगा, ग्रेइश टाइप का दिख रहा होगा, बट एक्चुअल इसका ये फाइनल टच नहीं है, ये चेंज होगा या कुछ और भी इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। ऑब्वियसली बीटा टेस्टिंग है, बट हाँ कह सकते हो कि ये फर्स्ट लुक तुम लोग देख पा रहे हो कि कैसा होने वाला है वोर्टेक्स। ठीक है, सो ऐसे हम 3 क्रिएट कर सकते हैं। अगर एनिमीज आसपास आएंगे तो वो उड़ सकते हैं या फिर दूर फेंके जा सकते हैं, डैमेज हो सकता है उनको, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये आइटम। तो काफ़ी लोग इसको लेने के लिए सबसे पहले आएंगे, तो जो सबसे पहले आएगा मारा भी जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये जो जगह देख रहे हो यहाँ से एसेंड का ऑप्शन आता है, ये सीधा आपको पानी के ऊपर ले जाएगा। आप पानी के अंदर जाओगे और बाहर भी निकल सकते हो लॉस्ट सिटी की साइड। तो बेसिक चीज़ें जो थी बता दी तुम लोगों को, टेम्पल भी दिखा दिया मैंने। ठीक है, और क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं अगली वीडियोस में भी तुम्हें देखने को मिलते रहेंगे। सो डोंट यू वेरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, एक यहाँ पे ऑक्टोपस भी आता है, पता नहीं क्या करता ऑक्टोपस, बस मैं थोड़ा सा देख लो, आगे जाके बीटा वर्जन के बाद तुम लोग को मस्त देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं पोचिंकी में उतरा, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे मिली मुझे देखने को, बट मुझे पता नहीं चला कि ये है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो इसको छोड़ो, लीव दैट। एंड अभी तुम लोग को दिखाता हूँ जो शॉपिंग वाला यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे जो शॉपिंग रहता है वहाँ पे देखो क्या होता है। ये जो घर देख रहे हो यहाँ पे आसपास वाटरफॉल हो रहा है या फिर क्या हो रहा है पता नहीं, बट पता नहीं चल पाया बेसिकली एक्चुअली है क्या। आई थिंक अभी भी स्टिल बीटा वर्जन में टेस्टिंग में था तो कुछ मालूम नहीं चला क्लियरली, तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। ठीक है, एकदम फुल एंड फाइनल वाली क्या क्या चीज़ें हैं कैसे हैं। सो ये रहे BGMI और PUBG के अपडेट्स, ये जल्द ही आ जाएंगे गेम के अंदर। पहले PUBG में आएंगे फिर BGMI में आएंगे। सो मेक श्योर लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो आगे के अमेजिंग अपडेट्स के लिए। ठीक है, चलो बाय गाइज़।